कहाँ है वो पंजाबी स्वाद, क्यों नहीं आती वो बात, क्या कमी रह गई इनमें सरसों का साग। अगर आपकी भी है यही प्रॉब्लम तो लीजिए हाजिर है सोल्यूशन, लेकिन आज मैं आपको अपने पंजाबी सरसों के साग की रेसिपी बताऊंगी। अच्छा, ये साग ना केवल विंटर्स में आता है ना, इसीलिए इसका बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। एक अच्छा सरसों का साग एकदम फाइन प्योरे नहीं होता है, फिर भी इसका टेक्सचर होता है थोड़ा सा स्मूथ, जिसके लिए डाला जाता है इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जो इसके टेक्सचर को और भी डिलीशियस बना देता है। इस साग में केवल एक सरसों का साग यूज नहीं होता है, तीन अलग अलग साग यूज किए जाते हैं। और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू गेट दैट परफेक्ट पंजाबी सरसों का साग जो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लीजिए तीन साग कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं। पहला तो ऑफ कोर्स हमें चाहिए होता है ये सरसों का साग, इसी के साथ ये पालक और इसके साथ ये बथुआ। अब किस क्वांटिटी में लेना है, किस रेशियो में लेना है, अगर आपने एक किलो सरसों ली है तो आप आधा किलो पालक लेंगे और 250 ग्राम आप लेंगे इसके साथ बथुआ। बहुत लोग बथुआ की जगह इसमें मेथी भी ऐड करते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा मेथी भी ऐड कर सकते हैं। साग की सिर्फ पत्तियां लेंगे, इसकी जो पतली वाली स्टेम्स हैं वो हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जो मोटी स्टेम्स है उसको डिस्कार्ड मत कीजिएगा, वो मोटी स्टेम्स भी इसमें ऐड की जाती हैं। तो सरसों की ये जो पतली वाली डंडियां हैं ना, इनको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन ये जो मोटी वाली डंडी है इसको छील लिया जाएगा और इसको भी चॉप करके हम अपने साग में ऐड करेंगे। इसे कहते हैं गंदले, पंजाबी में इसे गंदले कहा जाता है। तो ये सारा का सारा सरसों पहले मैंने साफ कर लिया है और इसी के साथ कुछ मोटे वाले जो स्टेम्स होते हैं जिसे मैंने आपको बताया ना गंदले कहते हैं, इन्हें भी मैंने क्लीन करके रख लिया है। ये जो बथुआ होता है इसकी भी मैं केवल लीव्स तोड़ तोड़ कर रख लूंगी लाइक दिस। इसकी जो टेंडर स्टेम है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सरसों डन, बथुआ डन, अब पालक की लीव्स को भी हम सेपरेट आउट कर देंगे, इसके भी हमें स्टेम्स नहीं चाहिए तो उनको तोड़ करके अलग निकालते जाएंगे। तीनों के तीनों साग के लीव्स हमने सेपरेट आउट कर लिए, अब इनको पहले काटेंगे नहीं। नोट कर लीजिए, किसी भी साग को काट के कभी नहीं धोते हैं, पहले हम धोएंगे इसके बाद इसे काटा जाएगा। और धुलने के लिए भी नल के नीचे इसे मत धोइएगा। टू वॉश दीज लीव्स इट्स बेटर कि आप एक बड़े से बोल में पानी भरिए, डंक द लीव्स इन वाटर एंड देन रिमूव देम, दैट इज हाउ यू शुड बी वॉशिंग देम। और एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार साग को धो लीजिए। ये देखिए कितना गंदा होता जा रहा है हमारा पानी, और एक वॉश नहीं, इसे कम से कम 2-3 वॉश देंगे अभी हम। तो ये देखिए 3 पानी से मैंने अपना सारा साग धो लिया है। अब इसको बहुत फाइन चॉप करना होगा मुझे। अगर आपके पास साग काटने की मशीन हो तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो बिलीव मी हाथ से भी ये बहुत आसान से कट जाता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि साग कभी भी ठंडे पानी में पकने के लिए नहीं डाला जाता है, इट इज ऑलवेज एडेड टू फास्ट बॉइलिंग वाटर। तो जब तक साग कटेगा तब तक ये सारा पानी उबल भी जाएगा। और अब इस साग को यहाँ गर्म पानी में हम ऐड कर देंगे। आपको देख के लग रहा होगा साग तो इतना सारा लेकिन बर्तन इतना छोटा, घबराइए नहीं, साग जैसे जैसे पकता जाएगा ना ये नीचे बैठता जाएगा, इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, थोड़ा श्रिंक करता जाएगा और ये सारा का सारा साग इसी बटलोई में पूरा का पूरा पक जाएगा। अब क्वेश्चन, क्या हम इसे प्रेशर कुकर में कुक कर सकते हैं? देखिए अगर आपको ऑथेंटिक पंजाबी टेस्ट चाहिए तो प्लीज इसे प्रेशर कुकर में मत कुक कीजिएगा। उससे क्या होता है, जल्दी कुकिंग तो हो जाती है लेकिन वो जो स्लो कुकिंग से जो इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर निकल के आता है ना, वो स्वाद बिल्कुल नहीं आता। इसलिए मेरी मानिए इसे स्लो कुक होने दीजिए,
कम से कम 40 मिनट के लिए एंड यू विल नोटिस कि कुक होते होते ये ऑलमोस्ट 3/4 रह जाएगा, यानी कि 3/4। तो जब तक ये कुक होता है, इसमें ऐड करने के लिए थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च और उसी के साथ साथ थोड़ा सा लहसुन भी मैं कूट लूंगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 20 से 25 कली लहसुन की, 4 हरी मिर्च जिन्हें मैं मोटा मोटा कट कर ले रही हूँ। जब आप इसको कूटते हैं ना, तो मिर्च, अदरक, लहसुन सारे अपने जूसेस रिलीज करते हैं, वो देगा इस साग को एक बढ़िया सा टेस्ट और फ्लेवर। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हमने ऐसा दरदरा दरदरा सा मोटा मोटा सा कूट लिया है, तो अब इसे हम यहाँ अपने साग में ऐड कर देते हैं। कैसे ये अब धीमे धीमे कम होने लग गया है साग की क्वांटिटी और पानी ऊपर ज्यादा आने लग गया, बिकॉज द साग हैज स्टार्टेड टू लीव आउट मॉइस्चर। अच्छा, इसीलिए इसे हम प्रेशर कुकर में भी नहीं कुक करते हैं, एक तो बहुत ज्यादा पानी हो जाता है और दूसरी बात आप नोटिस करेंगे ओपन कुकिंग करने से इसका कलर कितना अच्छा बना रहता है। देखिए, 3 साग जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। सरसों सबसे ज्यादा है सरसों के फ्लेवर के लिए, पालक ऐड की जाती है उसके कलर के लिए, और बथुआ ऐड किया जाता है उसकी स्मूदनेस के लिए। जो आपके साग को एक हल्की सी स्मूदनेस आती है ना बिना इसको मिक्सी में पीसे, तो उसका काफी एक अच्छा रीजन बथुआ भी होता है। पिछले 40 मिनट से ये साग पक रहा है और आप नोटिस करेंगे कि अब ये केवल 3/4 रह गया है, जैसे मैंने आपसे बताया था। और ये देखिए, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, साग ने काफ़ी सारा पानी भी छोड़ा है, लेकिन अभी इसे मुझे थोड़ा और पकाना है ताकि साग थोड़ा सा और गलने लग जाए। तो जब तक साग और पकता है तब तक प्याज कट कर लिया जाए तड़के के लिए। अब ये देखिए, पकते पकते ये साग रिड्यूस भी हो गया है, काफ़ी कम हो चुका है और साथ ही साथ अच्छे से गल भी चुका है। और यकीन मानिए, अब इसे पकते पकते 1.25 घंटा हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे वो स्पेशल वाला इंग्रेडिएंट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस दैट स्मूथ टेक्सचर इन आवर साग। वो क्या है? वो इंग्रेडिएंट है मक्की का आटा। मक्के का आटा इसमें ऐड किया जाएगा, लेकिन टेबलस्पून बाय टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून आटा इस पे आप स्प्रिंकल कीजिए और पहले उसे इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसे कहते हैं आलन लगाना। अपने साग में हम मक्के के आटे का आलन लगा रहे हैं। अब इसे 5 मिनट के लिए मैं फिर से पकाने के लिए चढ़ा दे रही हूँ यहाँ पर, ताकि मक्के का आटा भी इसके साथ अच्छे से पक जाए। और जब तक ये पकेगा तब तक तड़के की तैयारी भी कर ली जाएगी। अब तड़का तो लगेगा देसी घी के साथ, तो 2 टेबलस्पून गार्लिक मैं इसमें पहले हल्का सा सौते कर ले रही हूँ। गार्लिक जब गोल्डन हो जाएगा तब ऐड करेंगे हम इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम तब तक भून लेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। साग जो यहाँ पक रहा है ना, अब इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट टू टेस्ट। पहले क्यों नहीं ऐड किया था? पहले इसलिए नहीं ऐड किया था क्योंकि रिड्यूस होने के बाद जितना साग रह जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्ट ऐड करना होता है। और अब मैं इसी के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ ये खड़ी लाल मिर्च तोड़ करके। अच्छा, बहुत लोग इसमें रेड चिलीज बिल्कुल नहीं ऐड करते हैं, बट मैंने ये साग बनाना सीखा है अपनी दादी यानी अपनी बीजी से। वो रेड चिलीज ऐड करती थी, इसीलिए मैं भी करती हूँ। बहुत लोग इसमें टमेटोज ऐड करते हैं, हम नहीं करते हैं भाई। तो ये देखिए, तड़का भी डन, प्याज हो चुका है गोल्डन। अब एक और पते की बात आप नोट कर लीजिए, और वो ये है कि साग इस तरीके से पका करके आप पहले रेडी रख लीजिए, और जब आपको उसे सर्व करना हो ना, तब फ्रेश तड़का लगा के उसमें सर्व कीजिए। कभी भी सारे साग में तड़का इकट्ठा लगा करके सर्व नहीं किया जाता, ताकि तड़के की जो एक फ्रेशनेस है ना, जो एक फ्लेवर है, वो बरकरार रहे, बना रहे। अब मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि लहसुन पकने की, मिर्च की, प्याज की बढ़िया सी खुशबू आ गई है, कलर भी आ गया है। यहाँ साग को भी मैं बंद कर दे रही हूँ। और ये देखिए, अब इस साग का टेक्सचर कितना बदल गया है। लुक एट दिस, इट इज थिक एंड क्रीमी थैंक्स टू द मक्की का आटा दैट वी एडेड टू इट।
तो अब साग तो हो गया रेडी, सर्व करते हैं इसे बढ़िया से मक्के की रोटी, गुड़, सफेद मक्खन, प्याज और हरी मिर्च के साथ।